हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है? एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन एंड द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर एक माउंटेन हम बना लेते हैं, ठीक है। ये माउंटेन हो गया और ये माउंटेन का बेस हो गया। मान लो आप यहां से माउंटेन को देख रहे हो, यहां से है ना, तो इसका यहां पर एलिवेशन एंगल जो है यहां से कितना है, तो ये जो एलिवेशन एंगल है आपके पास 45 डिग्री का सबमिट हो रहा है, 45 डिग्री का सबमिट हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। अच्छा, यहां से हम लोग इस पे चढ़ रहे हैं, इस माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, इस माउंटेन पे, तो कितना डिग्री के स्लोप पर, 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो रहा है और 1000 मीटर जा रहे हैं, मान लो यहां जा रहे हैं। बात को समझे ना जी, यहां पे ये 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो रहा है ना, और यहां पर हम मान लो हम लोग 1000 मीटर ट्रेवल करके आ गए, और फिर जब यहां से हम लोग माउंटेन को देख रहे हैं तो एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना डिग्री का हो रहा है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो रहा है। बात को समझे, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। अब यहां पे समझो, ये 30 है, ये टोटल 45 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा ना जी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए, यह आपका राइट एंगल है, ये तो आपको पता है। चलिए, और जब ये 60 डिग्री होगा, यहाँ 90 होगा, तो ये वाला एंगल तो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, है ना जी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब ये 30 होगा, आप समझिए समझिए यहाँ पे, ये आपका 90 है, इधर वाला एंगल 45 है, तो ये इस ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल यहाँ वाला टोटल 45 होगा, तो जब ये 30 होगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ ए बी सी और यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ कर देना है, ठीक है। अब इसमें जो जो हमने पहले एंगल लिया है उसको पहले यहाँ पे डिनोट कर देना है किस तरह से लिया हुआ है। हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया है कि ये जो ए पॉइंट है, ये माउंटेन का टॉप का पोजीशन है ना जी। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री फुट से, यानी कि फुट यहाँ कहाँ से, ये पॉइंट यहाँ हमने सी लिया है, और ये बी जो है बेस है माउंटेन का यहाँ पर। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि लेट पॉइंट ए बी द पोजीशन ऑफ समिट ऑफ द माउंटेन एंड बी बिंग इट्स फुट, ठीक है। और सी जो है यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां से है ना यहां पर ले लेते कि लेट सी बी द ओरिजिनल पोजीशन कौन, ऑब्जर्वर का जो देख रहा है, ऊपर चढ़ रहा है उसके, ऑफ द ऑब्जर्वर एंड डी उसका फाइनल पोजिशन, एंड डी द फाइनल पोजिशन आफ्टर एसेंडिंग कितना, 1000 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर दिखाया है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लेट, या सपोज, या फिर कंस्ट्रक्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट किए हैं कि डी ई परपेंडिकुलर बी सी और डी एफ परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। अच्छा, तो जब इस पे परपेंडिकुलर दिखाए हैं और यहाँ पे एंगल बी आपका 90 है, एंड एंगल बी जो है 90 है,
देयरफॉर हम लोग यहां लिख सकते हैं कि डी ई बी एफ इज अ स्क्वायर या फिर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल ही ठीक रहेगा, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर नहीं कह सकते, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल यानी अपोजिट साइड इसमें इक्वल होगा, इसलिए हमने ये चीज ले लिया है। अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं पहले इन ट्रायंगल सी डी ई में, इस वाले ट्रायंगल में आइए। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, पहले एंगल्स के बारे में भी हमें लिख देना चाहिए था, है ना, ट्रायंगल में जाने से पहले जो हमने एंगल लिया है 15 15, ये सब चीज किया है, इसको हम लोग लिख देते हैं तो ठीक रहता है ना जी। अब देखिए एंगल ए सी बी जो है वो आपका 45 डिग्री है और एंगल ई सी डी 30 डिग्री है, इसीलिए एंगल ए सी डी जो हो जाएगा, एंगल ए सी डी यानी ये वाला जो हो जाएगा, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे यानी कि 15 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। ऊपर देखिए एंगल ए डी एफ जो है 60 डिग्री है, ए डी एफ 60 है, तो इसलिए हमारा एंगल एफ ए डी जो हो जाएगा, एफ आई डी जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 60 है ये 90 है तो ये 30 होगा। अच्छा एंगल बी ए सी आपका कितना होगा, तो ये 45 है, तो इसलिए हम लोग एंगल डी ए सी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस का ये 30, यानी कि ये 15 डिग्री का हो जाएगा, है ना। वैसे हम इन एंगल्स को लिखने की उतनी जरूरत नहीं थी, कुछ ज्यादा ही लेंदी लगने लगेगा, आप समझिए ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी और डी ए सी 15 15 हो गया, एंगल ए सी डी और एंगल डी ए सी दोनों 15 15 हो गया, तो इसका मतलब दो साइड ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो गए, समझे ना, जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो उसके दो साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ए डी और सी डी इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू मीन दोनों क्या हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा, क्यों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अपोजिट साइड है ना जी, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड है, तो लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अब चलते हैं हम लोग यहां पर इन ट्रायंगल सी डी ई में, इस वाले ट्रायंगल में ये सी डी ई में, इसमें ये तो हम लोग यहां पर साइन 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर आपका डी ई है ना जी, और बाई में हाइपोटेनस आपका सी डी, इसका वैल्यू आपको पता है 1/2 डी ई और ये आपका है 1000, ये मल्टीप्लाई होगा और ये कर जाएगा यानी कि डी ई यहाँ से आ जाएगा, या 2D इक्वल टू 1000 लिख दीजिए, इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो डी ई आपका हो जाएगा 500 मीटर। तो ये डी जब ये 500 मीटर हुआ तो ये वाला भी 500 मीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड है ना जी, तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ इक्वल टू में डी ई इक्वल टू में 500 मीटर, क्योंकि हमने देखा था ऊपर कि आपका बी ई या फिर डी ई बी एफ जो है ऐसे नहीं लिखे थे हमने डी ई बी एफ इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है इसलिए अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद आते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया, अब हमें इसको निकालना, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी एफ, इस ए डी एफ में अगर बात करें तो साइन 60 इक्वल टू में हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एफ और बाई में हाइपोटेनस ए डी, चलिए यानी कि इसका रूट 3/2 और यहाँ ए एफ और आपका नीचे है ए डी, तो ए डी का वैल्यू आप ऊपर देखे थे कि ए डी और ये सी डी इक्वल है, तो ये भी 1000 मीटर, यानी ए एफ इक्वल टू में हम लिख सकते हैं √3/2 × 1000 मीटर, यानी ये इससे कट जाएगा 500√3 आ जाएगा, 500√3 मीटर ये हो गया। हमें ए बी निकालना है ना जी, यानी कि हाइट ऑफ माउंटेन चाहिए,
है ना जी, हाइट ऑफ माउंटेन, तो माउंटेन का हाइट जो होगा वह ए बी ही ना है, तो ए बी कैसे आएगा, आप देखो तो ए एफ को और इस बी एफ को ऐड कर देंगे तब ए एफ प्लस का बी एफ हो जाएगा, यानी ए एफ का वैल्यू 500√3 और बी एफ का वैल्यू है 500, यानी आ जाएगा यहाँ से 500 कॉमन, तो √3 प्लस का 1 मीटर, ये आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए।